आप अपना परिचय दीजिए। आप अपना परिचय दीजिए। पहले आप अपना नाम बताइए और आपकी समस्या क्या क्या उसके बारे में बताना है आपको। देखिए, मैं ओमवीर शर्मा, हरियाणा का राज्य का उपाध्यक्ष हूँ। हमारी जो यहाँ पर आज जो हमारा ये धरना है वो केवल तीन ही मांगों को लेकर के है। एक तो हम सबसे पहले आपको ये बताएं कि हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो ये 1987 के अंदर बनाई गई थी, उससे पहले ये रोडवेज ही का हिस्सा था और बाद में भी ये रोडवेज का स्टेशन बनाई गई, उसमें भी ये कहा गया था कि हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन केवल लोन लेने के लिए हमें इस पर इसका नाम चेंज कर रहे हैं, बाकी रोडवेज की सुविधाएँ होंगी और रोडवेज के ही हम कर्मचारी हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि 87 के बाद धीरे धीरे करके हमारी फैसिलिटियाँ इन्होंने ख़त्म कर दी, रोडवेज की हमारी जो सुविधाएँ थी उन सुविधाओं को ये लोग छीन रहे हैं। आज जो हमारा मुख्य मुद्दा है कि जो हमें एक आइडेंटिटी कार्ड बनाया जाता है, हमारा पहचान पत्र होता है जिसको हम रोडवेज में सफ़र करते हैं, जिसकी वजह से उसमें से इन लोगों ने एचआर का नाम हटा, हमारा जो लोगो होता था उस लोगो को हटा करके एचआर के को वहाँ पर एचआरसी का अलग से लोगो लगा दिया गया। और ऊपर जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होता था उसके ऊपर लिखे थे कि स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, उसको भी छोटे अक्षरों में नीचे लिखा गया है। तो हम इनसे ये मांग कर रहे हैं कि एचआर का लोगो हमारे से न हटा जाए, क्योंकि हम रोडवेज का हिस्सा हैं, रोडवेज के कर्मचारी हैं। हमारी संस्था के सामने भी आपने देखा होगा कि हरियाणा रोडवेज ही लिखा गया है, इसलिए हमारी फैसिलिटी को इसको ये वंचित करना चाह रहे हैं। क्योंकि जब हम 35 साल से, आज हमें 33 साल हो गए, 33 साल से वो हमारा आई कार्ड बनता रहा था, लेकिन आज ऐसी क्या दिक्कत आ गई प्रशासन के सामने कि जो एचआर का लोगो हमारे से हटाया जा रहा है, एचआर के हमारे हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी हमें नहीं माना जा रहा। जबकि बीओडी मीटिंग में स्पष्ट लिखा गया था कि हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन रोडवेज का एक अभिन्न हिस्सा है और इसमें सभी सुविधाएं आपको रोडवेज के कर्मचारियों वाली दी जाएंगी, लेकिन आज हमें इस सुविधा से वंचित किया जा रहा है। दूसरा, हमें जो रिटायरमेंट के बाद मेडिकल की सुविधा मिलती है, मेडिकल अलाउंस मिलता है 1000 रुपये, और उसके बाद जो बीमारी के कारण जो बीमार हो जाते हैं रिटायरमेंट के बाद, उसके परिवार के सदस्य या खुद, तो किसी भी पैनल में इलाज कराने की इजाज़त होती है रोडवेज के कर्मचारी को, लेकिन हमारे को उससे भी वंचित कर दिया। ना तो रिटायरमेंट के बाद हमें हमारा जो मेडिकल अलाउंस है वही मिलता, और ना ही हमें किसी पैनल के हॉस्पिटल से वो इलाज करा पाए, वो सुविधा हमारे से छीन ली गई है, जो ये बहुत बड़ी सुविधा है हमारी। तो हम हमारे एचआरसी कर्मचारियों में काफ़ी गुस्सा इस बात का कि हमारी ये सुविधाएँ जो हम 33 साल से ले रहे थे, आज हमें इन सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाए। लेकिन हमारी आवाज़ को ना तो यहाँ का प्रशासन सुनाई दे रहा, यहाँ का जीएमबी जो कि रोडवेज के नियमों के तहत कोर्ट से जीत करके यहाँ महाप्रबंधक बनाया है, लेकिन आज वो भी उस बात से मुकर गया, वो कह रहा कि रोडवेज ही नहीं है। हम कहना चाहते अगर ये रोडवेज नहीं है तो आज तक इसमें रोडवेज के नियम और शर्तें क्यों लागू थी? आज ये 2013 में कह रहे कि हमें नियम बना दिए, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी ये निर्णय होता है, और ये हैवी के भी जो भी पुराने कर्मचारी हैं या जो पुरानी जो यहाँ पर जो जिस टाइम ये भर्ती हुए थे उस समय की सुविधाएं जो इनको मिल रही है उन सुविधाओं से इनको वंचित नहीं किया जाए। क्यों? क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी हैं और उनका फैसला भी है कि जब भर्ती होते हैं उस समय के जो नियम और शर्त होते हैं वहीं इनके ऊपर लागू रहने चाहिए, लेकिन आज उनसे हमें ये वंचित किया जा रहा है। हमारे कर्मचारियों में काफ़ी गुस्सा है, तो हमारी यहाँ के प्रशासन से भी अपील करें हम कि वो हमारी जायज मांग को जो हमें 33 साल से सुविधा मिल रही है उससे हमें वंचित नहीं किया जाए और हमारे को ये तमाम सुविधाएँ हमारी जारी रहें। इस मांग को लेकर के आज हमारा ये धरना है।
इसलिए आज हम यहाँ पर धरने पर बैठे सभी को धन्यवाद। ये जो रोडवेज की बात है क्या है? ये जी ऐसा है कि जब ये अतारीसी का गठन हुआ 1987 के अंदर, उस टाइम जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर साफ देखा हुआ है कि जो सुविधाएं रोडवेज के कर्मचारियों को मिलेंगे वो अतारीसी के कर्मचारियों पर लागू रहेंगे। उस टाइम परिवहन मंत्री धर्मवीर सिंह की अध्यक्षता में वो मीटिंग हुई थी और उसके अंदर साफ साफ लिखा था कि जो भी सुविधाएं रोडवेज के कर्मचारियों को मिलेंगी वो सुविधाएं सभी एसआरसी कर्मचारियों पर लागू रहेंगे और वो मिलती भी आ रही हैं आज तक। जिस प्रकार से हमें जूते मिलते हैं, वर्दी मिलती है, बोनस मिलता है और रोडवेज की तरह से मिलता है, लेकिन ये धीरे धीरे करके हमारी इन सुविधाओं को छीनने की कोशिश कर रहे हैं जो कि निराधार हैं। और जब 2005 के अंदर BOD की मीटिंग हुई थी उसके अंदर भी ये फैसला लिया गया था कि जो पुराने कर्मचारी हैं। मेरा नाम धूप सिंह मिल है, तारीसी में यहाँ प्रधान हूँ मैं जी। आज के लिए क्या ये और आज का ये धरना है हमारा, हमारी मुख्य मांगे, तीन मुख्य मांगे हैं इसके अंदर। सबसे पहले हमारा जो आई कार्ड, जो पहचान पत्र फ्री ट्रेवलिंग के लिए हमारा बनता है, उसका अचार का लोगो हटा के और अतारीसी का लोगो लगा के वो हमारा जा रहा है, इसका हम विरोध करते हैं और ये किसी भी सूरत में हम नहीं बनने देंगे इसको। हम पुराना यही हमारा जो पहचान पत्र है वो बनवाएंगे, ये तो प्रशासन से हमारी ये मांग है। दूसरा हमारा जो मेडिकल की सुविधा जो मिलती आ रही है उसकी जो उसको भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं ये, और जो हमारे रिटायर साथी हो रहे हैं वो रिटायरी के बाद जो 1000 रुपये मेडिकल अलाउंस मिलता है वो उनका बंद कर दिया गया है, और जो मेडिकल बिल की जो सुविधा है जब कर्मचारी बीमार हो जाता है वो पैनल के हिसाब से उनको भी बंद करने की साजिश रच रहे हैं। तो इस के कारण हमारा आज ये धरना है, और पिछली 6 तारीख को हमने यहाँ महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव किया था और इन मांगों के ऊपर अवगत कराया था, और उसी के अंदर ये हमें समय दिया था कि 17 तारीख को हमें यहाँ एक दिन का धरना देंगे, और यदि हमारी बातें नहीं सुनी गई तो फिर आगे आर पार की लड़ाई लड़ने को भी तैयार हैं। और जब 27/11/87 को अतारीसी का गठन किया गया उस टाइम परिवहन मंत्री धर्मवीर सिंह की अध्यक्षता में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग बैठक हुई थी उसके अंदर ये साफ कहा गया था कि जो सुविधाएं रोडवेज के कर्मचारियों को मिलेंगी वो अतारीसी के कर्मचारियों पर लागू रहेंगी, और उसकी कॉपी भी हमने उस मांग पत्र के साथ लगाई हुई है, लेकिन जो रोडवेज के आला अधिकारी हैं वो इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। और जब से अधिकारियों से हम बात करते हैं तो ऐसे आनाकानी करके उस बात को टाल देते हैं, और जब इसके बाद 2013 के अंदर यहाँ अतारी से कुछ रूल बनाए गए थे, लेकिन उसके बाद भी जो BOD की एक मीटिंग हुई थी उसके अंदर ये साफ किया गया था कि जो अतारी के पुराने कर्मचारी हैं उनके ऊपर पुराने ही नियम लागू रहेंगे, न कि नए नई भर्ती के ऊपर अतारीसी के नियम लागू हो सकते हैं, लेकिन जो पुराने कर्मचारी हैं यहाँ पर उनके ऊपर रोडवेज के जो पुराने नियम हैं वो ही लागू रहेंगे। ये बोलना चाहता कोई और बेटा? इंडिया न्यूज है, इंडिया न्यूज है, आर न्यूज है। साथियों, मीडिया के साथी आपके बीच में आए हैं, तो दो चार नारे जो है उसके बाद में लगाएंगे।